सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल द पोपाय राइडर्स। तो इन द मॉर्निंग एट द 6 AM तुम्हारा भाई आ गया भाई साहब अपने तूफान को लेके राइड पर। और हो अपने बंदे ग्रुप के खड़े हुए यहाँ पर भी। और कोई दिख रहा है? और बंदे अपने नथिंग एल्स अपने बंदे आए नहीं क्या भी यार? तो सुबह सुबह अपन आकर पहुँच गया भाई साहब अपने गुड़गांव। चाल चाल आजकल तो हर संडे मिल रहे हो भाई, क्या हाल चाल? जहाँ मन करे वहीं चल लेंगे, बताओ कहाँ चलना है। जहाँ मन करेगा वहीं चल लेंगे। कहाँ पर? आवली। आवली चलो देख लेते हैं। क्या हाल चाल? कहाँ हूँ, दिखे ही नहीं तुम, मैं देख रहा था। अच्छा, सो अपने रेडिएशन ब्लू के सामने भाई आ गए इन द मॉर्निंग। नज़ारा देख लो भाई साहब, रात हो रही है, मेरे ख्याल से 6:30 का टाइम हो रहा है, ठीक है। रेडिएशन हो रहा ये रहा, और ये कुछ लाइन अप है आज का। ये खड़े अपने बंदे कुछ उधर भी खड़े हैं, कुछ उधर भी खड़े हैं, तो सारे अभी फैले हुए हैं, अभी सबको एक साथ करना है। सो लाइन अप देख लो भाई, ठीक है। अभी लाइनअप थोड़ा बिखरा हुआ है, लाइनअप को सेट करते हैं। तो मिलता हूँ आपको अपने मोबाइल कैम से। सुबह दस आम ऑन द लोकेशन भाई, और सुबह सुबह ऐसे बताओ तो ना, आप थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी लग रही है बहुत अजीब अजीब सी, क्योंकि बिकॉज मैंने राइडिंग जैकेट के मेरा इनर पहन रखा है, और मेरे ऑफिस में नाइट शिफ्ट थी, तो नाइट शिफ्ट करके सीधा मैं आ गया राइड पर। तो कुछ माहौल अच्छा लग रहा है, ताड़ा माहौल हो रखा है यहाँ का, आपको पता है गुड़गांव की खासियत। सो मैं आपको यहाँ का ना क्राउड दिखाता हूँ कि इन द टाइम ऑफ 6:30 AM अभी क्या क्राउड है अपने गुड़गांव का। सो भाई ये देखो यार, ये अपना क्राउड है, यहाँ पर देख लो भाई, टेरा देखो ये खड़े हुई, बाकी बहुत सारी बाइक्स वहाँ पे खड़ी हुई है, बंदे भी आ रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई है, यहाँ पर भी खड़ी हुई है बाइक। और ये देखो भाई चैनल वैनल खड़ी है यहाँ पे भी, और ये आंटी देख लो, आंटी की सुपर बाइक है क्या? ये क्या बात करता है यार? और ये आंटी देख लो, आंटी की सुपर बाइक है क्या? तो भाई बैनली का साउंड सुना आपने, तो यहाँ पे यार नई वाली है ना अपाची भी देखने को मिली है भाई। ये देखो यार, काफी अच्छा लुक लग रहा है, काफी इंप्रेसिव लग रहा है यार, सच में यार। तो एक बार इसको बैठ के भी देखते हैं कैसा इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस है, बाकी KTM वगैरह अपना तूफान भाई ये खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए भाई, ठीक है, बाकी यहाँ पे भी पल्सर वगैरह बहुत सारी बाइक्स है, तो अपने बंदों का इंतजार हो रहा है। तो भाई ये देखो, अपने आगे ना एक G900 खड़ी है, ठीक है, काफ़ी G900 आपने देखी होगी, पर ये वाली में देखो पावरिंग पार्ट्स लगे हुए हैं। ये वाला देख रहे हो कितना अच्छा सेटअप लग रहा है यहाँ पे अंदर के साइड पे, और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये बाइक को, और लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइक का यार, देखने से ना एक इम्प्रेसिव लुक लग रहा है। पीछे जो G900 खड़ी है सेम वैसा होता है, बट वो इसकी इंजन कैप हटी हुई है, और ये वाली जो आफ्टर मार्केट कैप आती है ये वाला लगा हुआ है। अगर दूसरी साइड बात करो तो दूसरी साइड सिंपल है, तो काफ़ी यूनिक चीज़ लग रही है भाई देखने में ना, अच्छा लग रहा है। ये धूम वाली पहले की बाइक लग रही है भाई, ये देख रहे हो अलग ही क्रेज लग रहा है इसका।
धुआं धुआं। साउंड अच्छा लगा मेरे को उस बाइक का, है ना, काफी डिसेंट साउंड था। और ये देखो भाई, ये क्या है, देख लो, बाइकर फ्रॉम हर्ट, बच्चा बच्चा फैन है भाई साहब। बंदे ने फोन ले रखा है, ये मत पूछो कौन सा फोन है, बट एग्जैक्टली ही इज मेकिंग अ वीडियो यार, दैट्स अ गुड यार। शाबाश भाई साहब, पुलिस आ गई है यहाँ पे, शायद पुलिस आ गई है। तो यहाँ से साइड हटते हैं बाइक लेके भाई, वो देख लो भाई। तो भाई बाइक उठानी पड़ेगी जल्दी से। तो सारे बंदे वहाँ से भाग के भाई देख लो यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ सारे बंदे इकट्ठे हो गए, देख रहे हो। तो सामने कुछ हो रहा है भाई, चलते हैं देखने सामने क्या हो रहा है। सारा ग्रुप बंदे, सब ग्रुप वाले बंदे खड़े हैं भाई। 15 minutes later. तो भाई अपने कुछ बंदे आज दे गए गोली, बट हम 5-6 बंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंदे हैं। तो GFR का प्लान बना है, तो GFR चलते हैं एक बारी, निकलते हैं यहाँ से फिर। तो आज 3-4 बाइक है अपने पास, सो रेडी ऑन। तो भाई 5-7 बंदे अपने आने थे पर आज आए नहीं, और थोड़ा क्राउड भी इसलिए गायब हो गया क्योंकि पुलिस वाले आ गए थे, तो बंदे कुछ साइड हो गए और कुछ चले गए, तो इस चक्कर में हम रह गए। बाकी कोई नहीं, अभी अपना 2-4 बंदे भी और मिले हैं, तो अपना प्लान बनाया कि GFR चलते हैं, मैगी वैगी खाते हैं, कुछ बढ़िया से इंजॉय करते हैं राइड के, और पलते हैं फिर अपने घर की तरफ। तो अपने बंदे आ रहे हैं अपने पीछे, तो यहाँ से निकलता सीधा GFR के लिए। अपने साथ आज जो 5-6 बाइक है और सारी अलग बाइक है, देखो ये एक हमारे साथ 2 मीनार है बजाज की, ठीक है, उसके बाद एक पल्सर अपनी RS 200, उसके बाद एक पल्सर N160, एक है FZ 250, और एक है KTM 390। आज की राइड में यार कुछ ज़्यादा मस्ती तो नहीं हो पाएगी, बट कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा कैचअप कर पाए, कुछ इंजॉय कर पाए राइड पे। सो नाउ ब्रदर वी आर ऑन द GFR रोड, तो थोड़ा सा अपने आप को मिला है बढ़िया रोड एकदम, तो अपने तूफान को थोड़ा सा करते हैं हरी, और अपनी 3-4 बाइकें आ गया यार। तो पकड़ते हैं पहले तो उन्हें और फिर पीछे छोड़ते हैं यार। बहन की आंख उधर लेते लेते साले चूतिया ने इधर डाल दिए एकदम। अबे साले,
GFR के राइड तो भाई मैं बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ, बहुत, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यहाँ पे कोई आने को रेडी नहीं होता। पर मैंने कहा चलो यार आज GFR चलते हैं यार, बहुत दिन हो गए GFR को देखे हुए, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता काफी धासु रास्ता है भाई। यहाँ का सबसे ज़्यादा मज़ा आपको इसी रास्ते पर आएगा भगाने का, पर इसमें आपको देखना भी है क्योंकि इसमें कट भी है रास्ते में, बीच बीच में ना कहीं गैप है, तो उस जगह पर ध्यान रखना है। बाकी तीन चार बंदे हम थे, छः बंदे और दो तीन बंदे आगे भी मिल गए हैं, तो कुछ ड्रैग वाला सीन तो चल ही रहा है भाई, और वो तो बाइकरों में होता भी है भाई, उसमें तो कोई मना ही नहीं है। तो ब्रदर्स वी आर ऑन द लोकेशन, सो ये रहा अपना GFR गुड़गांव फरीदाबाद रोड, सो दिस इज़ द लोकेशन। काफ़ी सारे बाइकर्स का लाइनअप है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर भी देखो, ये खड़ा अपना तूफान, और वहाँ पे भी अपना लाइनअप देखो। सो नितिन भाई अपना पीछे रह गया, वो आ रहा नितिन भाई। सो यहाँ पर अभी हमें कुछ खाएंगे पियेंगे, तो आपको कंटिन्यू करता हूँ मोबाइल कैम के साथ। सो ब्रदर वी आर ऑल सेट, हो भाई सारे बंदे निकल रहे हैं अपनी बाइकों पर। सो अपनी बाइक पे अब काफ़ी देर बाद थोड़ा अपने दिल पे हाथ रख के तुम्हारे भाई ने Insta360 लगा लिया यहाँ पर। सो ये मैंने जो है अपना Insta360 का स्टैंड मंगाया है, पहले आज मैं इसे ट्राई करता हूँ, देन आप लोगों को बताऊँगा कि हाँ ये वैल्यूबल Mali 4 है या नहीं है, क्योंकि इसको जैसे मैंने फ़िट किया है ना वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। तो पहले एक बार ऐसे ट्राई करते हैं और चलते हैं फिर बाइक की तरफ। सो भाई निकल गए अपनी मंजिल के लिए, यानी कि अपने घर के लिए यहाँ से हम। सो Insta360 आज तुम्हारे भाई ने आगे नहीं लगाया, पीछे लगाया है, आज पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे भाई कैसी वीडियो बनती है, कैसा मज़ा आता है। तो यहाँ पर पूरा प्लेन रोड है, तो उस पर मज़ा आ जाएगा भाई। बढ़ते आगे अपनी राइड की तरफ, क्योंकि अब यहाँ से शायद घर निकल गए सीधा, पर आज स्मूथ राइड थी क्योंकि कम बंदे थे, बट कोई नहीं मज़ा आया, बात हुई, चिट चैट हुआ, तो थोड़ा मूड फ्रेश हो गया, चलते आगे की तरफ।